Radhika, go to the session number 5th of your chapter sound, and in this session we are going to discuss about speed of sound in different media. Different medias में जो sound है उसकी speed कैसे vary करती है हम यही इस session में study करने जा रहे हैं. So let's start our session with speed of sound in different media. So the first thing is that speed of sound in different media, we have to learn about this, that sound propagates through a medium at a finite speed. Simple है, जो sound है उसके propagation के लिए कोई ना कोई medium की requirement होती है. बिना किसी medium के sound propagate नहीं कर सकता. Clear? जो sound है वो किसी medium में जो propagate करता है वो किसी ना किसी एक finite speed पर propagate करता है. Clear? The medium can be solid substance, a liquid or a gas. जो medium है साउंड के जो ट्रेवल करने के लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड है वो एक लिक्विड भी हो सकता है, एक गैस भी हो सकता है और एक सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है. दीज आर कॉल्ड मटेरियल मीडिया. इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें हम मटेरियल मीडिया बोलते हैं. क्लियर? सिंपल सी चीज है कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा. जो साउंड है वो उस जगह ट्रेवल नहीं कर पाएगा जहाँ पे कोई एटमोसफेयर नहीं है, जहाँ पे एयर नहीं है, जहाँ पे लिक्विड नहीं है, जहाँ पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस नहीं है. और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. जब मीडियम प्रेजेंट होता है तभी साउंड किसी फाइनाइट स्पीड पे मूव कर सकता है. क्लियर? द साउंड प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड. द मीडियम कैन बी अ सॉलिड सब्सटेंस, अ लिक्विड और अ गैस, एंड दीज आर कॉल्ड मटेरियल मीडियम. सिंस द साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, सो दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. क्योंकि कोई भी साउंड वेव जो होती है उसे मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनके प्रोपगेशन के लिए. दिस इज द रीजन दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. इसीलिए इन्हें हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. क्लियर? दैट साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, सो दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. सिंपली यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव्स होती है उनको भी प्रोपगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. सेम जो साउंड वेव्स होती हैं उनके भी प्रोपोगेशन के लिए उन्हें किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज द रीजन जो साउंड वेव्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो साउंड वेव्स हैं उन्हें हम सिंपली मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं. क्लियर? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स. कोई भी साउंड है उसकी कितनी स्पीड होगी वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल हो रहा है. क्लियर? That the speed of sound depends on the properties of medium through which it travels. The speed of sound in a medium depends on the temperature of the medium. किसी भी sound में की जो speed है, किसी भी medium से जो sound propagate हो रहा है, उसकी जो speed है, वो जो medium है उसके temperature पे भी उतना ही depend करती है जितना उसकी properties पे depend करती है. तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आई. First ये that the speed of sound depends on the properties of medium through which it travels. And second ये that the speed of sound in a medium depends on the temperature of the medium. Clear? The speed of sound decreases when we go solid to gaseous state. जो speed है sound की वो decrease होती चली जाती है जैसे ही हम solid to gaseous state में move करते हैं. Clear? That the speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state. That is solid में speed of sound highest होगी, then liquid में होगी और उसके बाद gases में होगी. तो simply जो solid है उसमें higher speed रहती है और gases तक आते आते वो decrease होती चली जाती है. That is the speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state. If the temperature of the medium increases, यदि जो medium है उसके temperature को increase कर दिया जाए, speed of sound also increases. तो speed जो है sound का वो भी increase हो जाता है. Clear? That यदि कोई भी मीडियम है उसका टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या होगा, जो स्पीड है साउंड की वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो साउंड है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो जिस मीडियम से वो ट्रेवल कर रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड कर रहा है, और उसके साथ साथ में जो मीडियम है उसका जो टेम्परेचर कितना है उस पर भी साउंड डिपेंड कर रहा है. क्लियर? दैट इज जितना टेम्परेचर मीडियम का हम इंक्रीज करते जाएंगे जो साउंड है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा. अब बात आती है स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट. साउंड की और लाइट की स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस एंड 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस. जो साउंड की स्पीड होती है एयर में वो 22 डिग्री सेल्सियस पे तो होती है,
344 मीटर पर सेकंड, क्लियर, दैट इज रूम टेम्परेचर पे वो 344 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड होती है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10^8 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है साउंड की स्पीड में और लाइट की स्पीड में। जो स्पीड होती है लाइट की वो काफी हायर होती है इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सिंपल सी बात है, उसका रीजन की जो साउंड की स्पीड रहती है वो रहती है 344 मीटर पर सेकंड 22 डिग्री सेल्सियस पे और 331 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है एयर में 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बड़ा मार्जिन से जो स्पीड है लाइट की एयर में वो साउंड की जो स्पीड है उससे हायर होती है। क्लियर। ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व दैट द रेनी सीजन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर, दो वोटर फ्लो प्रोड्यूस एट द सेम टाइम इन द क्लाउड्स। आपने देखा जब कभी रेनी सीजन होता है वहां पे आपने देखा है जो लाइटनिंग है उसकी फ्लैश हमें सबसे पहले दिखाई देती है, उसके बाद में थंडर का साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि जो क्लाउड्स हैं वहां पे लाइट और साउंड एक ही प्लेस पे एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो लाइटनिंग है वो पहले दिखती है और साउंड लेटर दिखती है, जो थंडर की साउंड है वो लेटर सुनाई देती है। इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि जो लाइट है उसकी स्पीड काफी हाई होती है, दिस इज द रीजन वो जल्दी से ट्रेवल करके हम तक पहुंच जाती है, जबकि जो साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है। इस द रीजन कि हम जो लाइट की स्पीड हायर होने की वजह से लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और जो थंडर की साउंड है वो हमें बाद में सुनाई देती है। क्लियर। दैट द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर बिकॉज ऑफ द स्पीड मार्जिन्स ऑफ द आई मीन टू से बिकॉज द दिस इज ऑब्वियसली ऑल अबाउट बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज much higher than the speed of sound in the air. So that's all about the confusion. I have cleared it. Simply, जो light है उसकी जो speed है air में वो higher होती है, जबकि जो sound है उसकी जो speed है air में वो lower होती है. And it is because of very high speed of light, जो मैंने अभी आपको बताया, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो light है उसकी जो speed है काफी high होती है, which we see the flash of lightning first. और इसी की वजह से जो flash of lightning है मैं पहले दिखाई दे जाती है. And it is because low speed of sound, और sound है उसकी low speed होती है, and इसकी वजह से ही that the thunder is heard a little later, और उसकी वजह से जो thunder है वो हमें थोड़ा late सुनाई देता है। Clear? अब बात आती है sonic boom. Sonic boom क्या होता है? Normally आपने normally word सुना होगा sonic boom, alarm, etc. तो sonic boom actually में होता क्या है? हम यहाँ पे word discuss करेंगे. When the speed of any object exceeds the speed of sound, It is said to be traveling at supersonic speed. जब भी कोई भी हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से एक्सीड कर जाती है, स्पीड ऑफ साउंड से हायर हो जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सुपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। क्लियर। दैट यदि कभी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो स्पीड ऑफ साउंड से एक्सीड कर जाती है, देन वी विल से दैट इट इज ट्रेवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड। बुलेट्स, जेट, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा ऑफन ट्रेवल एट सुपरसोनिक स्पीड। जो बुलेट्स हुए, जेट हुए, एयरक्राफ्ट हुए, ये ज्यादातर सुपरसोनिक स्पीड पे ही ट्रेवल करते हैं। व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ साउंड, इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव इन द एयर। जब भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है, व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव करती है स्पीड से, साउंड की स्पीड से हायर स्पीड से मूव करती है, तो वो शॉक वेव्स का प्रोडक्शन करती है एयर में। दीज शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही जो शॉक वेव्स हैं, ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं। द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव्स प्रोड्यूस इज वेरी शार्प। जो एयर प्रेशर वेरिएशन होता है जो इस टाइप के शॉक वेव से एसोसिएट रहता है, जो शॉक वेव प्रोडक्शन से जो एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएट रहता है वो काफी शार्प होता है। A loud sound called the sonic boom. और ये जो loud sound वहाँ पे produce होती है उसी को हम sonic boom बोलते हैं। Clear? That the air pressure variation associated with this type of shock waves produce a very sharp and loud sound called the sonic boom. The shock waves produced by a supersonic aircraft have enough energy to shatter glass and even damage buildings. जो shock waves produce होते हैं supersonic aircrafts के through,
उनमें इतनी हाई एनर्जी होती है कि वो जो ग्लास है उसे शेटर कर सकते हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उसे डैमेज कर सकते हैं. क्लियर? दैट शॉक वेव्स प्रोड्यूस बाय द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैव इनफ एनर्जी टू शेटर ग्लास एंड इवन डैमेज बिल्डिंग्स. बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस अलाउडनेस एंड पिच. वेव की कौन सी प्रॉपर्टी लाउडनेस और पिच को डिटरमाइन करती है. यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ. 1, 2, 3, 4, 5. टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड. लेट्स चेक आउट. एक्चुअली लाउडनेस ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड. कोई भी वेव है उसकी जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो वेव की का जो एम्पलीट्यूड है वो किसी भी वेव की लाउडनेस को भी डिटरमाइन कर सकता है. तो समझ आया कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लाउडनेस को डिटरमाइन करेगी. एम्पलीट्यूड. सेकंड था पिच. सो द पिच ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी. जो पिच है वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है. फ्रीक्वेंसी के थ्रू. दैट इज यदि हमें किसी की उसकी फ्रीक्वेंसी पता है तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि उसकी पिच की क्वालिटी कैसी होगी. सो योर आंसर इज that the loudness of wave is determined by its amplitude and the pitch of wave is determined by its frequency. So, what did we learn today? आज हमने क्या study किया? आज हमने study किया about speed of sound in different media. Different medias में जो sound है वो कैसे travel करता है. उसके साथ में हमने ये भी study किया जो solids हैं वहाँ पे जो sound है वो सबसे highest travel करता है. That is जो स्टील होगा उसमें जो साउंड है उसकी स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द एयर. उसमें भी हमने ये भी स्टडी किया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है. जो मटेरियल मीडिया है उसकी प्रॉपर्टीज पे और जो टेम्परेचर है उस पे डिपेंड करती है. अलॉन्ग विद दैट हमने स्टडी किया अबाउट सोनिक बूम एंड सुपरसोनिक स्पीड. बाय द वे आई गेस दिस वाज एनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन गुड लक.